आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बेगूसराय के जिले में फंसे प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए कंट्रोल रूम से करे संपर्क डीएम अरविंद कुमार वर्मा। जिले में एक दिन में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले आए सामने। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 27। रविवार के दिन डीएम अरविंद कुमार ने कारगिल भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 27 हो चुकी है, जिसमें पॉजिटिव केस 17 हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं, वह जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06243228235 पर या मेरे व्हाट्सएप पर आईडी प्रूफ के साथ सूचना दें, ताकि फंसे मजदूरों को अपने घर जाने के लिए अनुमति मिल सके। और जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए गाड़ी करने में सक्षम है या सक्षम नहीं है, तो वह भी जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना दें, ताकि जल्द से जल्द जिला प्रशासन की टीम उन फंसे लोगों को घर पहुंचाने में मदद कर सके। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का 100% पालन करें और इस घड़ी में एक दूसरे का साथ मानवता का परिचय दें। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। उनको तो हम लोग सीधे ब्लॉक क्वारंटाइन में भेज रहे हैं, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे कि हम लोग हालांकि बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कई माल वाहक गाड़ियों में छूट के लोग आ जाते हैं, कई जगह से आ जाते हैं, ऐसे लोग सीधे घर पर भी पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बेगूसराय के सभी प्रतिनिधियों से अपील करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ, सभी निवासियों से अपील करता हूँ, अगर आप लोगों को कहीं भी सूचना मिले कि बाहर से व्यक्ति कोई आया है, उसको तत्काल प्रशासन को दें उसकी सूचना, ताकि हम लोग ऐसे लोगों का प्रखंड क्वारंटाइन में उनको रख सकें, उनको आइसोलेट कर सकें और ज़रूरत पड़ेगी तो उनका हम लोग सैंपल भी लेते हैं। छोड़ दीजिए जो उनसे आए हुए बाहर से व्यक्ति आए हैं, उनका डेली सैंपल भेज रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 78 सैंपल्स भेजा है जो रेड जोन से आए हुए थे। परसों हम लोगों ने भेजा था जो रेड जोन से आए हुए ज़्यादातर जो उम्र में सबसे ज़्यादा, लेकिन वो अभी दूसरे जिले में काम करते हैं, यहाँ से चले गए थे, लेकिन हम तो प्रिकॉशनरी तौर पर अभी तो बेगूसराय की संख्या उसको 26 ही मानेंगे और यह जो विभाग का निर्णय हो बेगूसराय में ऐड करेगा तो ऐड हो जाएगा, नहीं तो 26 का ही परिवार का प्रिकॉशन के रूप में परिवार का सैंपल लेकर उसका लोग बताया गया। जो आ रहे हैं माइग्रेंट्स हैं, जो बिहार के निवासी हैं, बेगूसराय जिले के निवासी हैं, जो दूसरे राज्यों में हैं, उन लोगों को पिछले कुछ दिनों से ट्रेन से स्पेशल ट्रेन चल रही है, चल रही है, उससे आ रहे थे, सभी को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। तो रेड जोन के जिलों से हम लोगों ने सैंपलिंग स्टार्ट करा है, तो उसमें 14 लोग थे यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्टेड थे, और हम लोगों के यहाँ जो बाहर से माइग्रेंट्स बेगूसराय जिला के जो लोग आ रहे हैं, तो अभी टोटल 121 केंद्र प्रखंड क्वारंटाइन केंद्र हम लोग चिन्हित किए हैं और 32 केंद्रों पर अभी 2276 लोग रह रहे हैं,